हे फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज मैं मेरे ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा एवरीडे मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग। सो फ्रेंड, बस सुबह सुबह मैं आ गई हूँ मेरे बेडरूम पे। बेडशीट जो है ना उसको चेंज कर रही हूँ, क्योंकि घर में बच्ची रहती हो तो बेडशीट जो है ना उसको मतलब चेंज करना ही पड़ता है। वीक में 2 बार 3 बार हो ही जाते हैं, तो बस मेरे साथ भी ऐसे ही होते हैं। तो पहले जो बेडशीट था उसको मैं उतार के रख दिया। अभी मैं एक नया वाला बेडशीट जो है ना उसको मतलब बेड पे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा बेडशीट कलेक्शन नहीं है फ्रेंड, 2 या 3 ही है। तो मुझे एक एक करके धो के रखना पड़ते हैं, फिर मुझे लगाना पड़ते हैं। तो इधर देखिए, ये जो बेडशीट है ना इसको मैं आज नहीं धोऊंगी, क्योंकि बाहर जम के बारिश हो रही है। अभी मुंबई में बारिश का टाइम है ना, तो इसके लिए आज अगर मैं धो दूँगी तो ये सूखेगा नहीं। तो देखिए फ्रेंड, बस मैं बेडशीट को लगा रही हूँ। और मेरा बेडरूम जो है ना बहुत ही छोटा है, इसके लिए बस लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बेडशीट को, क्योंकि कोने कोने घुसना पड़ते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए, मेरा बेडशीट जो है वो लगाना हो गई है, तो अभी नेक्स्ट जो काम है वो कर लूँगी। तो इधर देखिए, मैं हर सुबह में ये जो काम रहते हैं ना इसको करते रहती हूँ, क्योंकि अगर डेली हम लोग डेली का काम डेली करते हैं ना, तो हम लोगों को ना घर पर धूल नहीं दिखने को मिलती है, और जो चीज़ें रहते हैं ना वो इधर उधर बिखर के नहीं रहते हैं ना। तो वो मेरी बच्ची है वो इधर से उधर फेंकते रहते हैं, तो मुझे डेली करना पड़ते हैं। ऊपर मैंने ये जो साइड टेबल है ना इसमें कॉलिंग देके अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर जो क्रीम वगैरह रहते हैं ना मैं ऊपर रख देती हूँ या फिर ड्रायर में रख देती हूँ, क्योंकि नीचे रखने का कोई चांस ही नहीं है, मुँह ना के सब कुछ फेंक देती है। तो देखिए, लगे हाथ में वार्डरोब में थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर बिखर के रहते हैं ना, उसको भी साफ़ कर लूँगी। तो मून का नाम ले रहे थे, देखिए मून भी हाजिर है। और ये जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ये है मून का नाइट ड्रेस, जो कि हर रोज़ मून को नाइट पर लगती है, तो इसके लिए मैं उसको इधर ही रख देती हूँ एक साइड पर। तो बेडरूम क्लीनिंग हो गई है, अभी मैं आई हूँ किचन में। तो देखिए फ्रेंड, बस सुबह मैं बनाई थी ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट बनाने के टाइम जितना सारा मेरा बर्तन था ना वो सब कुछ मैं धो लूँगी। बर्तन धोने के बाद लगे हाथ में किचन के जो प्लेटफॉर्म है ना उसको भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो मैं बनाई थी ना उसके साथ साथ मैंने लंच का भी सब कुछ बना लिया था। तो इसके लिए मुझे लंच में कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, इसके बाद मुझे सिर्फ मून का खाना ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें इतना ज़्यादा ऑयल मसाला नहीं लगते मून के खाना में, तो इसके लिए मैं अच्छे से मेरे जो प्लेटफॉर्म और किचन है ना उसको साफ़ कर ले रही हूँ। अब देख ही सकते हो ये बहुत ही छोटा है, पर प्रॉब्लम नहीं होती है, आदत बन जाती है तो किसी में भी प्रॉब्लम नहीं होती है ना फ्रेंड हम लोगों का। अभी मैं आई हूँ मेरे लिविंग रूम पे। तो ये सोफ़ा जो है ना ये क्लीन ही रहते हैं, फिर भी मैंने पिलो वगैरह इधर उधर बिखर के रहते ना, तो उसको क्लीन कर रही है। और मून इधर बैठ के टीवी देख रही है, खेल रही है। तो इसके बाद मुझे करना है डाइनिंग टेबल को क्लीन। तो डाइनिंग टेबल जो देखिए मेरा ये है, तो इधर नीचे और ऊपर धूल मतलब गिरा रहते हैं। मेरे घर में ना इतना ज़्यादा धूल नहीं है फ्रेंड, क्योंकि रोड से अंदर है तो इसके लिए ज़्यादा धूल नहीं होते हैं। और मैं जिस साइड पे रहती हूँ ना इधर इतना ज़्यादा धूल भी नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा नहीं होते, फिर भी थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, घर पे सभी लोगों का होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक का कवर दिख रहे हो ना इसको मैं उठा के फिर पोछती हूँ, नहीं तो क्या होता है कि प्लास्टिक में नीचे ना पानी जैसा हो जाते हैं, लगते हैं कि कवर जो है ना उसको पसीना आ गया है, ऐसे होते हैं। तो मैं डेली पोछ लगा देती हूँ ना, मतलब पोछा लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल को, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, दिखने में भी अच्छे रहते हैं ना, क्योंकि इसके ऊपर खाना खाते हैं तो अगर एक गंदा रहती है ना तो नहीं मुझे पसंद है ना ही मेरे हस्बैंड को पसंद रहती है। तो देखिए, बस मैंने ये सब कुछ क्लीन कर लिया, अभी मैंने रख दूंगी। और डाइनिंग टेबल के ऊपर ये जो घड़ी है ना ये हमेशा रहती है हम लोगों का, क्योंकि वॉल पे लगाने का जगह नहीं है,
तो बस इसके बाद मैं झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पे लगा देती हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाती हूँ। फिर भी थोड़ा बहुत इधर उधर जो है ना साफ़ करती हूँ तो थोड़ा बहुत तो गिरा ही रहते हैं, तो इसके लिए लगे हाथ में झाड़ू भी लगा दूँगी। तो झाड़ू लगाने के बाद मुझे लगाने ही पोछा। तो फ्रेंड अभी मुझे लगाना है पोछा, तो मेरे पास जो ट्रॉली वाला मॉप रहते हैं ना वो नहीं है, तो मैं एक बकेट में पानी भर लेती हूँ और ये जो स्टिक जो रहते हैं ना इससे ही बस मैं पोछा लगा देती हूँ। तो ये स्टिक जो है ना ये बहुत ही अच्छा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते है हाथ से, मतलब इसको अच्छे से पानी निचोड़ लो फिर पोछा लगा लो ना तो अच्छे से लग जाती है। तो मेरा लिविंग रूम ही सबसे बड़ा है, उसके बाद मेरा किचन और बेडरूम जो है ना वो एकदम छोटा सा है। तो चलिए फ्रेंड मैं पहले पोछा लगा देती हूँ। सो फ्रेंड अभी टाइम हो रही है सुबह के 9:30, तो 9:30 के अंदर ही मेरा सब कुछ काम जो है कंप्लीट हो जाती है। तो मैं अभी आ गई हूँ नहा के, तो नहाने के बाद मैं बस थोड़ा सा क्रीम लगा लूँगी और फिर मुझे तुरंत जाना है किचन में। और सुबह का जितना सारा कपड़ा था ना उसको भी मैंने धो दिया नहाने के टाइम, तो उसको भी मुझे सुखाने के लिए देना है। बाहर नहीं लगा सकती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है तो भीग जाएगी, तो मुझे अंदर ही उसको सुखाने के लिए देना पड़ेगी। अभी मैं आ गई हूँ किचन में मून के लिए लंच बनाने के लिए। तो लंच में मून हमेशा खिचड़ी खाती है, तो इधर मैंने घी से बनाती हूँ उसका खिचड़ी और मैंने दाल यूज़ करती हूँ मसूर का दाल। तो मेरे पास बस 3-4 वेजिटेबल्स था, वही डाल दूँगी मैं इसमें। और साइड में मून के लिए पानी भी बॉयल हो रही है क्योंकि मून का जो पानी मैं पिलाती हूँ वो हमेशा गर्म पानी ही पिलाती हूँ मैंने। तो देखिए उसका खिचड़ी बनने में ज़्यादा लेट नहीं होती है फ्रेंड, क्योंकि दाल चावल डाल के बस पानी डाल के थोड़ा सा फ्राई करके उसमें नमक हल्दी डाल के मैं सीटी लगा देती हूँ 3-4, ऐसे हो जाती है। तो बस कंप्लीट हो गई है, मुझे अभी जाना है कपड़ा जितना सारा मैंने धो के रखा था ना उसको सुखाने के लिए। तो फ्रेंड अभी मैं कर लूँगी ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में मैंने चावल और इधर फिश करी लिया, फिश का जो एग रहते ना उसका करी लिया। तो मैं हर रोज़ मैं चावल नहीं खाती हूँ फ्रेंड, कभी कभी खा लेती हूँ, पर सुबह में ज़्यादातर एकदम हल्का सा मैं ब्रेकफास्ट लेती हूँ, जैसे कि मैगी हो या फिर कोई भी फ्रूट्स हो यही लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे फॉलो करना है मून की रूटीन। चलिए फ्रेंड वीडियो को भी एंड करना है। हे फ्रेंड, तो मॉर्निंग का काम मेरा कंप्लीट हो चुकी है, तो आई होप कि आप सभी को पसंद आया है मेरा रूटीन। कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। क्या होती है कि हम हाउसवाइफ लोगों का ना मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है ना बहुत ही ज़्यादा टफ रहते हैं, क्योंकि बच्चे लोगों को स्कूल भेजना, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट बनाना, ऑफिस भेजना, फिर साथ ही साथ हम लोगों को घर का क्लीनिंग, किचन क्लीनिंग ऐसे करना पड़ते हैं। तो मुझे पता है कि हम जैसे, मेरे जैसे जितना भी सारा हाउस वाइफ है उन सभी के एक ही हालात है मेरे जैसा, पर मेरा जो है एक प्रॉब्लम आप लोगों से ज़्यादा है। मतलब कि क्या होता है कि बच्चा अगर स्कूल जाती है ना तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि वो थोड़ा बहुत खुद का काम खुद कर लेती है, पर
मेरा एक छोटा सा बेबी है जो कि 1.5 साल की है, उसका रूटीन मुझे फॉलो करना पड़ते हैं। मॉर्निंग रूटीन के साथ मुझे उसका रूटीन भी मुझे फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अगर उसको ब्रेकफास्ट में लेट हो जाएगा ना तो उसका पूरा रूटीन जो है ना गड़बड़ हो जाती है। इसके लिए मुझे मतलब एक ही साथ मुझे सब कुछ ध्यान पे रखते हुए करना पड़ते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट करके आप लोग प्लीज़ बताया कीजिए कि मैं कौन सी कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँ। अगर मुझे आप लोगों का कंटेंट पसंद आएगी ना तो मैं ज़रूर बनाऊँगी आपके कंटेंट के ऊपर वीडियो। सो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। फ्रेंड बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल, मिलती हूँ मेरे नए ब्लॉग के साथ।